फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज दिन भर का मैंने कुछ भी शूट नहीं करी, ना मैंने सहरी, ना मेरा दिन भर का रूटीन, और ना ही मैंने इफ्तारी का कुछ भी शूट करी, कोई व्लॉग नहीं बनाई। मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी इसी वक्त रात के 10:30 बजे, और इतनी रात में मैं व्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ 5 किलो चिकन का कबाब कल के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए। जाहिर है इतनी रात हो गई है, तो जो भी मैंने अभी तक अरेंजमेंट्स कर ली हूँ वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या अरेंजमेंट्स करके रखी हूँ। और मैं ये 5 किलो के चिकन का कबाब क्यों बना रही हूँ वो मैं आपको बैठ के फुर्सत से बताऊंगी। तो चलिए पहले एक नज़र देख लेते हैं जो भी मैंने अभी तक करके रखी हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर है ये चिकन, इसमें और इसमें, ये टोटल 5 kg चिकन है, 5 किलो चिकन है ये। इसको मैंने धो के अच्छे से ऐसे कट करके रख ली हूँ, बोनलेस चिकन है ये। और यहाँ पे है चने की दाल, चने की दाल को भिगाकर कम से कम 3 घंटा हो चुका है, तो इतनी चीज़ें हो गई हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इन चीज़ों को मैंने अरेंज करके अच्छे से रख ली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ चिकन को बॉईल करने के लिए सारे मसालों के साथ। कुछ चीज़ों को मैं अभी करके रखूँगी, मैं कल के लिए आधी चीज़ों को छोड़ूंगी। अगर मैं कल सारा काम करती ना तो बहुत ब्लंडर हो जाता और इतनी घाई घाई में कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि इसको फिर ठंडा करके पीसना, फिर उसके बाद में उसकी टिक्की बनाना, वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो इस वजह से आधा काम मैं अभी करके ले रही हूँ। इसको अच्छे से करके ठंडा करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और जो भी पीसने का काम है अगर मैं अभी कर ली तो कर ली, अदरवाइज़ मैं कल करूँगी जो भी इसको ग्राइंड करना है। तो बस इतनी चीज़ें हो गई है। तो अभी मैं इसका जो भी बोलते हैं ना रेसिपी शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो भी डालूंगी ऐसे हाथों के अंदाज से फटाफट बस डालकर उसको पूरा काम को ख़त्म करना है जल्द से जल्द, क्योंकि फिर सुबह सहरी के लिए उठना भी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन को 2 कुकर के अंदर ऐसे डिवाइड कर दी हूँ ताकि मिक्सिंग करने में भी आसानी रहे, और अभी इसमें दाल जाएगी तो इसकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे मसाले दोनों में मिला ली हूँ एक साथ, और अब इसमें डालूंगी मैं पानी, और पानी डालकर इसको हमें कुक करके लेना है। 3 सीटी रखूँगी मैं, 3 सीटी में ये हो जाएगा, होगा तो 5 मिनट थोड़ा स्लो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मैंने इसके अंदर थोड़ा और अच्छा उसका टेस्ट आए उसके लिए मैंने यूज़ करी हूँ इसके अंदर एवरेस्ट का चिकन मसाला, इसके अंदर मैंने वो डाल दी हूँ। और बस अब पानी डालेंगे इसमें और इसको चढ़ाते हैं कुकर को अभी। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बेडरूम में, थोड़ा एसी ऑन करके, थोड़ा एसी का कूलिंग लेने के लिए, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है। और कुकर चढ़ा दी हूँ मैंने, अभी कुकर को जाके चेक करती हूँ। और ये जो मेरा व्लॉग बन रहा है, ये फ्राइडे, आज है फ्राइडे नाइट, तो फ्राइडे नाइट के दिन मैं ये व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। कल है सैटरडे, कल के लिए कबाब बन रहे हैं, और ये जो मेरा व्लॉग है ये आएगा इंशाल्लाह संडे को। संडे को मैं इसको शाम में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मुझे सैटरडे का भी पूरा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ये व्लॉग संडे के दिन अपलोड होएगा। तो बस अभी देखते हैं, थोड़ी देर में चिकन को चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कुकर का जो भी चिकन था वो मैं निकाल कर थाली में रखकर इसे ठंडा कर लेती हूँ, और ये वाला कुकर भी अभी हो गया है, इसको भी खाली करना है। तो पहले मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, फिर दूसरे थाली में ये वाले कुकर को जो भी चिकन है वो निकालती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मिक्सचर पूरा ही पतीली में मैंने निकाल ली हूँ, ठंडा हो चुका है, ठंडा करके इसमें निकाल ली हूँ, और ये पूरा पूरा आ गया है, सारा का सारा इसके अंदर ही है। और ये बर्तन निकले हैं, इसको अभी वॉश करना है, और अब इसको रख रही हूँ मैं फ्रिज में। कल अब इसको उठकर बाहर निकाल लूँगी पहले एक घंटा पहले, और फिर इसका कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 1:30 और सारे काम मेरे हो चुके हैं, मैंने फ्रिज में रख दी हूँ चिकन का जो मिक्सचर है, और किचन भी पूरा वाइंड अप हो चुका है मेरा। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, सुबह सहरी का कोई भी ब्लॉग मैं शूट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली जो अपना काम है जो स्टार्ट करूँगी डायरेक्टली वहीं से मेरा जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू रहेगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ और अब से मिलती हूँ कल सुबह। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हो गई है सुबह और अभी बज रहे हैं 10। मैं उठ गई जल्दी क्योंकि काम अभी और बाकी था करने का। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले उसको जो फ्रिज से निकाल के मैंने रख दी थी, करीबन आधा पौना घंटा हो चुका है, इसको मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी थी बाहर, जो चिकन का जो मिक्सचर था उसको। और अभी जाना है इसको पहले पीसना है, पीस के फिर उसकी टिक्की बनानी है, और मुझे कैसे भी मेरा सारा काम जो है वो 5 बजे तक
कंप्लीट करना है। इनफैक्ट 5 बजे तक पूरा मेरे को डन करके घर से निकल जाना है, तो फटाफट से वो करते हैं। और हर साल की तरह जब मैं हर साल कबाब बनाती हूँ, इसके पहले मैंने मटन के कबाब बनाई थी, इस बार मैं चिकन के कबाब बना रही हूँ। और हर साल कबाब बनाने में, जो टिक्की बनाने में मेरी हेल्प करने के लिए एवरी ईयर आते हैं मम्मी, तो यहाँ है मम्मी, देखो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो हर साल मम्मी और मैं मिलकर टिक्की बनाते हैं। जब वो आधी होने आती है तब मैं जाती हूँ फटाफट से उसको फ्राई करती हूँ। फ्राई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, तो मम्मी मेरी हमेशा आते हैं हेल्प करने के लिए। तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। खानका के लिए कर रहे ना? हाँ, नहीं अभी तक मैंने वो बताई नहीं हूँ, अभी मेरे को सब बताना है कि वो मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये एक चीज ये है कि मैं बाहर से भी इसको बनवा सकती थी, हालांकि किंजा के डैडी ने बोले भी कि मैं बाहर से बनवा लेता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स खुद से बनाकर, खुद से वो मेहनत करके, वो मोहब्बत से बनाकर खिलाने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, साल में एक ही बार तो होता है, हर बार थोड़ी ना इतना बनाना पड़ता है। तो खुद से बनाने के वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो खुशी अलग है। हाँ, तो बस इसीलिए मैंने बोली नहीं मैं घर में ही बनाऊंगी। मम्मी तो हर साल आते हैं, और पहले हम लोग बनाया करते थे 4 kg का, नहीं 3.5 से स्टार्ट किए थे ना। हाँ, 3.5 kg से स्टार्ट किए थे, फिर वो 4 हुआ, फिर वो 4.5 हो गए, माशाल्लाह बढ़ रहा है, और अब हो रहा है, हाँ अब हो रहा है 5 kg का। तो अभी आगे हो सकता है और भी बढ़ जाए इंशाल्लाह, कुछ भी हो जाए बनाएंगे और क्या। तो फाइनली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो हर साल खानके में 4 इफ्तारी की दावत होती है एवरी सैटरडे। सैटरडे इसलिए रखते हैं क्योंकि संडेज को जेंट्स को भी छुट्टी रहती है, सारे जो खुलफा इकराम है उनको भी काम काज की छुट्टी रहती है, बच्चों का स्कूल तो बंद रहता ही है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, मेरा हाथ बहुत दुख गया था इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप हो गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि हर साल हम लोग एवरी सैटरडे इफ्तारी का जो प्रोग्राम है वो खानके में, खानका इफ्तारी में हर साल रहता है। 4 इफ्तारी होती है वहाँ पर। तो पहले इफ्तारी होगी, फिर उसके बाद में महफिल होगी, फिर महफिल के बाद में न्याज होती है, न्याज में होता है ज़बरदस्त सा पुलाव, चिकन पुलाव, और फिर उसके बाद में वापस से एक महफिल होती है। सिर्फ मैं ही नहीं फ्रेंड्स, खानके में हर कोई अपने हिसाब से, अपना बोलते ना मोहब्बत से, कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है, सब अपने बोलते ना मोहब्बत से कुछ ना कुछ इंतज़ाम को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे कोई फ्रूट्स का इंतज़ाम ले लेता है, तो जैसे मैंने कबाब का ले ली, तो ऐसे इसके पहले जो सैटरडे गया उसके अंदर कोई पिरानियों ने समोसे का किए थे, समोसा किए थे, किन्होंने आलू, हाँ मसाले वाले चटपटे आलू, चने, अपने हिसाब से जिसको जो समझ में आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शौक से और बहुत मोहब्बत से सब करते हैं, और ऐसे मिलजुल के ना कंट्रीब्यूशन में करके इफ्तारी का मजा ही अलग है, बहुत बड़े पैमाने पे। हाँ, करीबन 200 लोग रहते हैं ना मम्मी? हाँ, 200 लोग खानके में रहते हैं, तो हम लोगों को बनाना है 200 लोगों के हिसाब का कबाब, तो वो 200 या 200 के ऊपर ही जाना चाहिए, होपफुली वो चला जाए, हो जाएगा। और हाँ, तो ये हम लोग हर साल करते हैं। तो देखूंगी मैं, अगर मुझे वहाँ पे अगर पॉसिबल हुआ तो हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पे इफ्तारी का ग्लिम्स, थोड़ा न्याज का, थोड़ा सुबह सहरी का, कुछ ऐसा ग्लिम्स मैं ले सकूँ, अगर ले पाई तो। और फ्रेंड्स, रात में जो मैंने आधा काम जो मैंने रात में करी वो इसलिए करी क्योंकि अगर उसमें कुछ नमक मिर्च कुछ कम ज्यादा कुछ भी हुआ तो मैं टेस्ट करके उसी पॉइंट पर चक कर उसको मैं सही कर सकती हूँ, बैलेंस कर सकती हूँ। फिर उसके बाद में दिन भर में तो रोजा रहेगा, तो इस वजह से मैंने आधा काम जो मेन मसालों का चखने का काम है वो मैंने रात में ही कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ परफेक्ट था। थोड़ा सा नमक कम था तो थोड़ा सा नमक मैंने उसमें और डाल दी। मैं वैसे भी शुरू शुरू में नमक थोड़ा अपना हाथ रोक रोक कर ही डाल रही थी कि ज़्यादा नहीं हो जाए, कम होगा तो हम उसको डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होगा तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फिर उसको रात में ही सारा चख ली, जो भी उसमें बैलेंस करना था वो सब कर चुकी हूँ और सब हो चुका है। तो चलो अभी चलते हैं किचन में। माशाल्लाह तज़ीन मेरी एक्सपर्ट भी हो गई है। हाँ, बना बना के माशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हो गया है। ये कम से कम ये 5वां साल है ना मम्मी, ये चौथा या 5वां साल होगा ना कबाब बना रहे हम लोग। तो बस, तो चलो अभी चलते किचन में, लगे काम पर। हाँ, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पीस के हो गया है, ये देखिए। अब इसके अंदर डालेंगे हम हरा धनिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हरा धनिया धोकर कट करके रखी हूँ, अब इसको इसमें ऐड करेंगे।
दोनों में। हरे धनिया के बाद इसमें डालेंगे लेमन। चलो अभी इसके अंदर एक लेमन डाल दी हूँ मैंने और जाएगा इसके अंदर। हाँ थोड़ा खटाई भी रहेगी। थोड़ा सा इसमें भी डाल देंगे। इसको पीसने में फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाता है, ये पीसने के लिए इसको बहुत टाइम लगा। हाँ ना भाई माशाल्लाह इतना आसान, और थोड़ा थोड़ा करके पीसना पड़ता है ना। हाँ वरना वो घूमता भी नहीं ना जार में, ब्लॉक हो जाता है। तो चलो फिर अभी जल्दी जल्दी इसको हम इसको मिक्स ही बना लेंगे। इसको मिक्स करना चाहिए। ओके तेल ताजा है इससे ऐसा लग रहा है कि अरे ब्रेक ना ले। अब चल के बैठते हैं हॉल में आराम से, थाले पतीली सब लेकर, और फिर उसको लेके बैठते हैं। उसके बाद तलने वाला। हाँ। तलना तो चलो है नहीं, हो जाएगा। हाँ। माशाल्लाह से मेरी तज़ीन एक्सपर्ट हो गई है चिकन। हाँ, बस करम है और क्या, हो जाता है, बस हिम्मत अल्लाह देने वाला। शामी कबाब बना बना कर घर में तो बनाती है, लेकिन अब ये रमज़ान में ये ज़्यादा बनाना पड़ता है ना, तो इसमें मसालों का हर एक चीज़ का बहुत बैलेंस लेके चलना पड़ता है। तो माशाल्लाह कर लेती है, सरकार के लिए बन रहा है, कुछ गड़बड़ हो नहीं सकती, गुंजाइश ही नहीं है गड़बड़ की। सही बात है, थोड़ा स्टार्टिंग में डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता, अब हो गया, हाथ बैठ गया, हाथ बैठ गया। हाँ स्टार्टिंग का एक साल लगा थोड़ा। चलो तो अभी ये हो गया है, अब इसको लेके चलते हैं हॉल में। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, मैं भी लग जाती हूँ। यहाँ देखिए ये इतने कबाब, ये एक थाला और एक ये दो थाल, और यहाँ एक्स्ट्रा ये हो गया है, और मम्मी के हो गए हैं पैर सुन। तो चलो ये हो गया है, अब इसको तलना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर तीन पैन रख दी हूँ मैंने, और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडे हैं, अंडे पहले फेंट के लेंगे। स्टार्ट करते हैं अंडे को हल्का हल्का, और इसको डालना स्टार्ट करते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। तीन पैन है ना, फटाफट होगा। मैं भी ऑयल डालना है ना, डाल दी सब में, डाल दी, गरम हो चुका है सब। बस अब इसका एक पैन है फिनिश करना। ये पैन उस दिन इसीलिए खरीदी थी कि काम आने वाला था। हाँ काम आ गया ना अभी रमजान में, तो लगते ही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये इतने ऐसे में रख के जा रही हूँ, टिश्यू पेपर इसलिए रख रही हूँ पेपर टॉवल की, जो उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब होता रहे। सो फ्रेंड्स फाइनली कबाब बनके रेडी है, अभी बज रहे हैं एग्जैक्टली 5:15, और 5:15 को मेरा लास्ट कबाब तल के हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह टोटल, हाँ टोटल कितने बने मम्मी, 235। हाँ 235 कबाब बनके रेडी है, और अब बस मैं निकल रही हूँ रेडी होके खानका के लिए, और आपको एक बार दिखा देती हूँ, दो पतीली भरकर बना है माशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स ये टिश्यू रखी हूँ मैंने, इसके नीचे लाइन से कबाब इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो टोटल मिलाकर, और सरकार का अलग है ना,
तो ये जो है इतने तैयार है, लेयर पे लेयर है, लेयर्स के ऊपर लेयर्स लगा के रखे। सरकार के लिए जो बनाए हैं वो अलग से रखे हैं, वो ये डब्बे में हैं, जो हाँ ये डब्बे में हैं, इसके ऊपर भी लेयर्स लगे हुए हैं। तो बस अब निकलते हैं फटाफट, वहाँ पे प्लेट्स भी लगानी है। हाँ। तो चलिए अभी चलते हैं, और मम्मी तो बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद ना। हाँ थोड़ा रुक के आओ, थोड़े रुक कर आएंगे, पहले मैं निकलती हूँ, मेरा निकलना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ फौजान का। फौजान की स्कूटी पे मैं इसको लेके जाऊँगी, बहुत हैवी है, उसको लेके मैं उतर भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने फौजान को बोली हूँ कि तू ऊपर आ जाओ और उसको लेके उतर। तो बस अभी 5 मिनट में फौजान आ रहा है और फिर हम लोग निकलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फौजान भी आ गया है, बहुत जल्दी आया, कब से बुला रही, देखो चला जा, देखिए लेके जाना है। ये तो तुम ही चल रहे हो। नहीं मैं भी चल रही हूँ, ये किंजा को दे दे, ये किंजा पकड़ लेगी, ये तू पकड़ ले, थोड़ा हैवी है ना ये। इसको किंजा कौन पकड़ेगा? माशाल्लाह कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, जरा दिखा दे तू कुर्ता। कुर्ता नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए, कपड़े तो अच्छे ही लगते हैं। हां इंसान अच्छा है भाई, हमारा प्यारा बच्चा है। बस बस इतना फेम नहीं चाहिए, रमजान चल रहा है प्लीज। अच्छा रमजान के बाद जो भी रहेगा सबको दीदार का शर्फ हासिल होगा। ओह माय गॉड, तेरा दीदार, उठा जल्दी से इसको, उठा के चल। चलो फिर अल्लाह हाफिज़। हाँ चलो किंजू, मैं भाई को बोल दियो। अरे उसने रोजा खोल दिया। हाँ भाई पिकअप करे। हाँ सुन, इंतखाब आएगा, मम्मी को पिक कर लेगा, ठीक है? बोल दी मैंने। चलो चलो मम्मी फिर अल्लाह हाफिज़। हाँ तो यहाँ देखिए, यहाँ बन रहा है शरबत। यहाँ पे जितने लोग आएंगे खानके में वो लोग तो आ ही जाएंगे, और जो नहीं आ पाते हैं वो लोग जाते हैं नीचे इफ्तार के लिए। काफ़ी लोग नीचे भी बैठते हैं इफ्तार करने के लिए। देख रहा था कैसा इधर, मोबाइल की तरफ, मोबाइल चाहिए उसको। हाँ वही लाड का है सबका। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر चाय नहीं पीली है, जगह पकड़े हमने। सो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी अच्छे से हो गई। ये हमारी एक और पिरानी है जो कि फर्स्ट टाइम आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी बहुत अच्छे से हो गई, और अब हम लोग सब लोग बैठ चुके हैं और महफिल समा का आगाज़ होने जा रहा है। और महफिल जो चलेगी वो 11:30 बजे तक महफिल होगी, फिर उसके बाद होगा न्याज। तो चलिए अभी इसके बाद आपसे मिलते हैं। आ जाओ, अरे तुम भी आ जाओ। يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. तो फ्रेंड्स, महफिल हो चुकी थी और महफिल के बाद हम लोग सब लोग बैठ गए थे न्याज के लिए। यहाँ भाईजान जो है हमारे वो न्याज निकाल रहे थे, सबको खिलाने के बाद भाईजान आखिरी में बैठते हैं न्याज खाने के लिए। भाग
बिस्मिल्लाह बोल के चुपचाप खाओ। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, देखो सारे के सारे ये देखो ये बोले बहुत जोर से बोल रहे ये कूद कूद के आ रहे हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं और हम लोग सबको बहुत तेज भूख लगी है। सबका हो चुका है ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद न्याज नहीं मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं है, बस ये आखिरी स्टॉप है, फिर इसके बाद में होगा ब्रेक वक्फा। कितने देर का? आधे घंटे का। A few moments later, खत्म भी हो गया। चिकन सहरी में थी चिकन जो कि खत्म हो चुकी है। हमारी अभी चल रही है। हाँ, आसिया की सहरी चल रही है, जल्दी खाओ, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। अजान तक तो नहीं खाती है ना? नहीं बेटा। हाँ अगर अजान तक अजान तक खाएगा। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर पर और अभी बज रहे हैं 7:15। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई माशाल्लाह खानके में। ये दूसरी इफ्तार की महफिल थी जो कि बहुत अच्छे से हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी और भी जो पिरानियों ने बनाकर लाए थे चीज़ें अपनी अपनी तरफ से तो वो भी बहुत अच्छी थी और कबाब जो मैंने बनाई थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सबको बहुत पसंद आया। तो चलो मेहनत रंग लाई और बस अभी जा रहे हैं सोने के लिए और अपना जो ब्लॉग है मैं इसको यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप सो आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।